Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your own YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and exam ki preparations are going very well. तो चलिए आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है ITBP की तरफ से कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग. फ्रेंड्स देखिए ये ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, सिविलियन पोस्ट है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. तो चलिए बता देती हूँ इसकी बाकी की डिटेल्स को. देखिए फ्रेंड्स ITBP यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में ट्रेड्समैन कॉन्स्टेबल के लिए वैकेंसी आई है. आगे इसका डिटेल मैं बताऊंगी लेकिन अगर आप चाहते हो इसका अप्लाई लिंक देखना या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना दोनों ही चीज़ें मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है. जाइए वहाँ पर भी फॉलो करके डाउनलोड करके देख लीजिए. हाँ टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसको अप्लाई करने की जो तारीख है ना 20 जुलाई यानी कि आज से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा. अंतिम तिथि की बात करूँ तो 18 अगस्त रहेगा लेकिन आपको 18 अगस्त तक इंतजार नहीं करना है, जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दे ताकि आपको सर्वर इशू ना फेस करना हो. फॉर्म की फी की बात करें जनरल OBC EWS से 100 रुपया यानी 100 रुपीज लिया जाएगा. SC ST कैंडिडेट साथ ही एक सर्विसमैन और आपको अगर फीमेल कैंडिडेट हो आप तो आपसे कोई फी नहीं लिया जाएगा. मतलब कि जनरल OBC EWS से 100 रुपीज, SC ST एक सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी वालों का फी माफ कर दिया गया. ठीक है आगे देख लेते हैं एज की लिमिट क्या रहेगी. लेकिन उससे पहले बता दूं कि आपका एज किस डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा. फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना यानी कि 18 अगस्त उसके अनुसार आपका 18 वर्ष से 23 वर्ष उम्र होना चाहिए. साथ के साथ अपर एज जो लिमिट है 23 वर्ष इसमें आपको छूट मिल जाएगा. OBC को 3 इयर्स का और SC ST को 5 इयर्स का. आई होप कि एज लिमिट तक आप समझ गए होंगे. अब बारी आती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की. जैसा कि आपको पता है कि ट्रेड्समैन की भर्ती है तो अलग अलग ट्रेड के लिए रहेगा. तो क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है देखिए सिंपली जो भी 10वीं पास कैंडिडेट है वो सब अप्लाई करेंगे. लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया ये रहेगा कि आप जिस ट्रेड से अप्लाई करते हो ना उसका आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 2 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा है रिलेटेड ट्रेड से. ट्रेड की अगर बात करें तो कॉबलर, टेलर, बार्बर, सफाई कर्मचारी और गार्डनर की भर्ती रहेगी. मतलब कि मोची आपका दर्जी, बार्बर यानी कि जो नाई होता है, सफाई कर्मचारी और माली इस ट्रेड से आपकी भर्ती आई है. ठीक है टोटल अगर ट्रेड को मिलाकर देखें तो टोटल पोस्ट 194 यानी 194 पोस्ट रहने वाला है. तो अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. देखिए अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता देती हूँ. सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको आएगा फिजिकल यानी कि आपको फिजिकल फिटनेस अच्छा रहेगा तभी आप आगे क्वालिफाई कर पाएंगे. फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट जांच किया जाएगा तब जाके आपका रिटन एग्जाम होता है. उसके बाद आपका मेडिकल होगा फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा. तो इसमें जो प्रोसेस है काफ़ी उल्टा है. पहले फिजिकल फिर डॉक्यूमेंट जांच उसके बाद परीक्षा होगी तब आपका मेडिकल होगा. आई होप आप प्रोसेस समझ गए होंगे. तो प्रोसेस तो आप समझ गए लेकिन इन डिटेल में जब फिजिकल होगा तो क्या क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे. देखिए फ्रेंड्स ये रहा आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बताऊंगी. हाइट सबसे पहले आपका मेजर होता है कि आपकी लंबाई कितनी है. मेल कैंडिडेट के लिए 167.5 यानी 167.5 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए है 155 सेंटीमीटर. ST कैटेगरी मेल और फीमेल दोनों को हाइट में 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा. ST वाले के लिए जो मेल कैंडिडेट होंगे 162.5 यानी 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर. उसके बाद आपका चेस्ट मेजर होता है सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट का 80 से 85 यानी 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन खोजता है और ST कैटेगरी वालों के लिए 76 to 81 सेंटीमीटर रहेगा. देन आफ्टर आपका रेस यानी रनिंग होता है, दौड़ कराई जाती है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ होती है मेल कैंडिडेट के लिए जो कि उनको 7 मिनट एंड 30 सेकेंड 7 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना है.
फीमेल्स के लिए 800 मीटर यानी 800 मीटर की दौड़ है, 4 मिनट 45 सेकंड में उनको कंप्लीट करना है। जब आप रेस कंप्लीट करोगे तब आपका लॉन्ग जंप होता है, मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट का और फीमेल्स के लिए 9 फीट का, दोनों को 3-3 बार मौका दिया जाता है। फिर आपका हाई जंप होता है, 3.5 फीट रहता है मेल कैंडिडेट के लिए और 3 फीट फीमेल्स के लिए, 3 चांस इसके लिए भी आपको मिलता है। तो जब फिजिकल में क्वालिफाई हो जाओगे आप, तब जाके आपका डॉक्यूमेंट जांच किया जाएगा कि जो आपने फॉर्म में अपने बारे में डिटेल्स दिया है सारा एक्यूरेट है कि नहीं। जब वो आपका क्लियर हो जाएगा तब रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा। तो एग्जाम जो होगा आपका ऑफलाइन होता है, उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के लिए, समय रहता है 1 घंटे का और देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। विषय वाइज अगर बात करें तो GK GS से 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स यानी गणित के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश या फिर हिंदी। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, बहुत सारे बच्चों को हिंदी अच्छा लगता है, तो दोनों में से कोई एक विषय जिसकी आपको अच्छे से नॉलेज हो उसका आप दे सकते हैं। 10 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, टोटल आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए 1 घंटे का रहेगा। तो एग्जाम ज़्यादा टफ नहीं होता है, लो लेवल का ही आपका 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा, इजी होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वालिफाई करके मेडिकल निकालोगे आप, फिर आपका क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है, ITBP जहाँ भी आपको सीट अलॉट करती है वहाँ पर आपको एज योर ट्रेड वर्क करना पड़ेगा। वर्क करते वक्त सैलरी क्या मिलती है, देखिए 21,700 से शुरुआत होती है, बाद में बढ़ा के 69,100 यानी कि आपको 70,000 के करीब सैलरी बढ़ा के कर दी जाती है। तो मौका अच्छा खासा है, इसको बिल्कुल भी ना गवाए। अगर आपके पास इस ट्रेड का नॉलेज है, सर्टिफिकेट है, तो ज़रूर अप्लाई करें। आशा करती हूँ कि इस पोस्ट की सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब भी कुछ डाउट है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कमेंट करके अपने डाउट को आप ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर ही लेना ताकि सारी नई जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।